सोशल वेलफेयर कमेटी द्वारा चलाया जा रहा शिक्षा ज्योति कार्यक्रम सफलतापूर्वक तय रहा। बुधवार 13 अक्टूबर को प्रदेश की सामाजिक संस्था सोशल वेलफेयर कमेटी की ने नगर फफूंद के डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था के द्वारा 5 सितंबर से चलाया जा रहा शिक्षा ज्योति कार्यक्रम निरंतर अपनी सफलता से रास्ते होकर मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। संस्था जहां जगह जगह पर जाकर लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम कर रही है, वहीं स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्रों को शिक्षा के जीवन में क्या मोल है और ये हमें किस तरह सफल बनाने का काम करती हैं, वह शिक्षा को हासिल करके एक सफल इंसान बनाने की बात बताकर शिक्षा के प्रति एक लगाव, एक चाह पैदा कर रही हैं। कमेटी के पदाधिकारियों ने बुधवार को नगर फफूंद के डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज में जाकर छात्र छात्राओं को शिक्षा के बारे में बताया। कमेटी के औरैया जिला कोऑर्डिनेटर राहुल सिद्दीकी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें किताबों को अपना दोस्त बना लेना चाहिए तो हमारा भविष्य सुनहरा बनेगा, क्योंकि एक बार समय निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। वहीं कमेटी के महासचिव आसिफ अंसारी ने कहा कि बच्चे जब तक अपना लक्ष्य नहीं बनाते तब तक सफलता उनसे दूर रहती है। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें क्या करना है। स्कूल प्रधानाचार्य आज़ाद अली ने कहा कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, उन पर ये निर्धारित होता है कि आने वाला कल कैसा होगा, क्योंकि अगर देश का हर बच्चा शिक्षित होगा तो देश की उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर सलीम खान प्रवक्ता ने की। इस मौके पर कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष अफजल खान और यह जिला महासचिव आसिफ अंसारी, रामकिशोर कठेरिया, शाहनवाज मंसूरी आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ औरैया जिला कोऑर्डिनेटर राहुल सिद्दीकी और स्कूल का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा।